नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। वैसे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाले। जी हाँ मित्रों, पूरे साल बरसेगा धन। दीपावली की रात चुपचाप चौराहे पर रख दिए सामान। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे चौराहे पर रखने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी खींचे चली आती है, हमारे घर को धन धन से समृद्ध बनाती। देखिए दीपावली जो धनतेरस का पर्व होता है, ये धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का, इनसे कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन होता है। खासकर दिवाली के दिन अगर आप जो है धन में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे, तो छोटा सा उपाय बताऊंगा। माँ लक्ष्मी थोड़ी थोड़ी जो पूजा पाठ होते हैं, थोड़े थोड़े जो टोटके होते हैं, इससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो उपाय बताऊंगा ये जन्म जन्मांतर की आपकी गरीबी को मिटा सकते हैं, आपके घर में धन की वृद्धि करेगा और दीपावली की रात में ये उपाय करना है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे से जानकारी आपको भी सीखने को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपके हर कदम में मार्गदर्शन करते हैं। तो दुकानदार और व्यापारियों के लिए बताना चाहूंगा, दुकानदार और जो लोग व्यवसाय करते हैं, तो दीपावली की रात को साबुत खीरी का एक टुकड़ा लेकर उसे अपने दुकान के चारों तरफ घुमाएं और किसी चौराहे पर जाकर के उसे उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। ऐसा करने से आपके घर में ज्यादा आपकी दुकान में ज्यादा ग्राहक आएंगे और धन में लाभ वृद्धि होगी, क्योंकि जो फिटकरी होता है ये निगेटिव चीजों का, आपकी दुकान में किसी ने गलत विचार के कारण आए, धंधा पानी धीरे धीरे चौपट हो रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है, तो सारे निगेटिव चीजों को अपने अंदर में समाहित करके फेंक देगा। दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, किसी पेन कॉपी में नोट करके जरूर रखना, हल्दी और सुपारी का टोटका। देखिए दीपावली की रात 5 साबुत सुपारी लेना है, काली हल्दी लेना है। काली हल्दी न मिल पाने पर आप जो साबुत हल्दी भी ले सकते हैं और 5 कौड़ी आपको लेना है। इसे लेकर के गंगा जल से आपको धो लेना है और लाल कपड़े में बांध करके दीपावली के दिन आपको पूजन करना है। चांदी की कटोरी या थाली भी आपको रखना है। अगले दिन सवेरा सारा सामान धर रखने वाली जो जगह जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे रख देने। हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में इस उपाय से विराजमान रहेंगे, क्योंकि जो कौड़ी है, जो काली हल्दी है, साबुत सुपारी है, इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुपारी को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे, दिवाली के दिन की मैं जानकारी बता रहा हूँ, अपने घर के आसपास किसी पीपल पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाना है। यह उपाय अगर दिवाली की रात में किया जाए तो बिल्कुल ही आप कैसा भी गरीब आदमी क्यों ना, क्योंकि पीपल पर माँ लक्ष्मी साक्षात निवास करते हैं दीपावली के दिन, और हमारे सारे क्रियाओं को, हमारे कर्मों को, हमारे पूजा पाठ को उस दिन देखती है, तो माँ को बिल्कुल ही दया आएंगी और हमारे गरीबी को मिटा देगी। दीपावली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जला करके अवश्य आ जाना और साथ ही कुछ मीठे चीज बना करके वहां पे रख देना, और ध्यान रखना कि आपको पलट करके नहीं देखने से हमारे घर से दुर्भाग्य भक्ति है, हमारे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। एक बात और अंतिम बात बताना चाहूंगा, दीपावली दीपक का पर्व है। दीपक की रोशनी हमें अंधेरे में शाश्वत प्रकाश प्रदान करती है, इसलिए इस दीपावली पर आप घर के घर तेल के दीपक जलाएं। घर में जो है हो सके तो तेल का दीपक जलाएं, इनमें से एक दीपक जला करके उसमें लौंग डाल करके राम भक्त हनुमान जी को बिल्कुल ही आप भेंट करें, यानी कि हनुमान जी के मंदिर में, हो सके मंदिर नहीं है तो आसपास में जहाँ पे पीपल के पेड़ है, पीपल के पेड़ नहीं है तो जहाँ बहुत ही जगह पे हनुमान जी के मंदिर मिल जाते हैं आसपास में, वहाँ पे जा करके हनुमान जी को एक दीपक अवश्य जलाना उसके लिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि और नव निधि का दाता कहा जाता है। 9 प्रकार की जो निधि है, अष्ट प्रकार की सिद्धि हमें हनुमान जी प्रदान करते हैं। हनुमान जी के अगर आपको एक बार आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो कभी भी फिर आपके जीवन में अमंगल नहीं आएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज को मंगल के दाता और दुख हर्ता कहा जाता है, संकट मोचन कहा जाता है, फिर आपकी जिंदगी में कभी भी संकट नहीं आएंगे, आप हमेशा अन्न धन से भरे रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि धनतेरस के शाम को कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको भूल करके नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से घर में सुख समृद्धि रुक जाती है और पूरे साल तंगी बनी रहती है। तो अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, गुणवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके घर में साक्षात कृपा बने रहे, आप चाहते हैं कि आपके पूरे घर अन्न धन से हमेशा भरे रहे, तो आज जो है अपने 5 मिनट का बहुमूल्य समय पूरा जरूर दीजिए। आप में से अधिकतर बहुत सारे लोग कुछ ऐसे गलतियां करती हैं जिस गलती के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिस गलती को आपको नहीं करना है, शाम के टाइम में आपको नहीं दोहराना है। और आज के वीडियो आप मिस करते तो इसमें हमारे नुकसान नहीं है, इसमें आपको ही नुकसान होगा। कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके वह जानकारी काम आते हैं, और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाती तो इसमें आपको ही नुकसान होता है, फिर बाद में आप पछताते हैं कि हमने उस वीडियो को क्यों नहीं देखे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शकों को प्राचीन ज्ञान की गुण भरी हुआ रहस्य हम अच्छे अच्छे अपने शास्त्रों से जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी से आपका भला होता है, आपका कल्याण होता है। गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी भी मैं अपने चैनल में बताता हूँ, जो कि आपको दूसरे चैनल
चैनल में नहीं बनेंगे। हालांकि बहुत सारे चैनल वाले लोग हमारे इस वीडियो को कॉपी करके बता दें, अन्यथा ओरिजिनल जानकारी आपको प्राचीन ज्ञान चैनल में मिलती है। इसलिए आप सभी दर्शक जो है हमारे चैनल पर काफी प्यार भी दिखाते हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो भी मन में डाउट है, क्वेश्चन है, कॉमेंट करें, बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो हमें जो है धनतेरस की शाम को कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, मैं 5 गलती के बारे में बताऊंगा, जिस गलती को आपको नहीं दोहराना है। अगर आप भी दोहराते तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, धनवंतरी जी महाराज जो हैं तथा कुबेर जी महाराज आपके घर में नहीं आएंगे। और अगर ये तीनों दिव्य महाशक्ति आपके घर में नहीं आए तो आपके घर कंगाली हो सकते हैं, आपके घर रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजा की शुरुआत हो जाती, इसलिए शाम के समय भूल करके भी अपने घर को खाली आपको नहीं छोड़ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने घर को खाली छोड़ करके चले जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है धनतेरस के दिन खरीदारी के चक्कर में लोग ताला लगा करके घर में निकल जाते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। शाम के वक्त तक घर में कोई ना कोई सदस्य जरूर होना चाहिए। मुख्य द्वार बिल्कुल ही इस समय खुला होना चाहिए। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूँ कि शाम के समय में धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में देखने के लिए आती है कि वह मनुष्य मेरे लिए कौन सी पूजा पाठ करे, क्या मेरे लिए दीप जला रहे नहीं। इस प्रकार से माता लक्ष्मी जो है प्रत्येक मनुष्य के द्वार में धनतेरस के दिन आती। ताला बिल्कुल ही मत लगाना। धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाना न भूलना, क्योंकि दीपक जो अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जलाते हैं तो जो दक्षिण दिशा है ये पितरों की दिशा होती है। इसी के साथ दीपक में एक सिक्का और थोड़ी सी कौड़ी जरूर डाल देना। एक कौड़ी या फिर 1 रुपए का सिक्का डाल करके दीपक में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों का ध्यान करते हुए आपको जलाना है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आपके घर में किसी को अकाल मृत्यु हो चुका है तो ये उपाय जरूर करना, फिर आपके घर में दोबारा अकाल मृत्यु कभी भी योग नहीं बनेंगे और आप हमेशा रोग से मुक्त रहेंगे। जीवन में जो है कुलक्ष्मी से परेशान हो चुके हैं, धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो ये उपाय जरूर करना। साथ ही पितरों को याद करते हुए घर में आप जो है प्रार्थना करना कि हे पितृदेव हमारे घर में सुख शांति का वास हो। इस प्रकार से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्रार्थना बस करना है तो आपके घर में सुख शांति और जो समृद्धि ये स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि पितरों को गड़ा धन का स्वामी कहा जाता है। पितरों को साधारण मत समझना, देवताओं से भी उत्तम पितरों का स्थान होता है। इसके बाद दर्शकों धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाना बिल्कुल ही पूजा घर में मत भूलना। धन की देवी माता लक्ष्मी के पास में आपको 5 दीपक जलाना है और इसके बाद 1 दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। इसके बाद आपके घर के आसपास में जैसे कि जल स्थान कहे जाते हैं, कुआं है, नल है, हैंड पंप है, यहाँ पे भी जाकर के जलाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग भूल जाते हैं, कुआं है, नल है, हैंड पंप, इनके पास में दीपक जलाना भूल जाते हैं क्योंकि इन्हें देव स्थान कहा जाता है। अधिकतर जितने भी योनियां होती हैं, तीतर पीतर देवता सब योनि ये पानी स्थान पे आकर के निवास करते हैं, बसते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, ये सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो अगर आप अपने घरों के आसपास में कुआं है, नल है, हैंड पंप है, तालाब है, वहां पे जाकर के दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। जी हाँ बिल्कुल ही घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और घर में धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि जल स्थान को लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। माता लक्ष्मी आपने देखा होगा ये समुद्र में रहती हैं, समुद्र में क्षीर सागर में रहती हैं, और माता लक्ष्मी का जो आसन होता आपने देखा होगा कमल की आसन पे विराजमान होती है, और कमल किस में फूलते हैं तो कमल हमेशा पानी में ही फूलते हैं, तो जो पानी स्थान है इसे देव स्थान कहा जाता है। धनतेरस की शाम को किसी से भी धन का लेन देन मत करना। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को घर बुला करके पूजन किया जाता है, इसलिए न तो इस दिन किसी को धन देना चाहिए न किसी से धन लेना चाहिए। धनतेरस के दिन लेन देन करने से माता लक्ष्मी आने के बजाय विदा हो जाती हैं, आपके घर से चली जाती हैं। अब किसी से कुछ न मांगे उधारी में न किसी को दे, और इसलिए धनतेरस के दिन लेन देन करना वर्जित कहे गए हैं। आप जो है शाम के पहले कर सकते हैं लेकिन शाम के बाद में लेन देन मत करना। किसी से इस दिन उधारे भी मत मांगना, किसी को उधारी मत देना, और शाम के समय में धन का लेन देन बिल्कुल ही धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र में लिखे हैं। इसी के साथ हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि धनतेरस के दिन
साबुत धनिया खरीदना न भूलना। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, धन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस की पूजा में धनिया माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को धनिया समर्पित करने से धन की प्राप्ति होता है और धनवंतरी महाराज को धनिया समर्पित करने से आरोग्यता की प्राप्ति होता है, क्योंकि निरोग काया भी सबसे बड़ा धन माना जाता है। अगर आप कितना भी बड़ा धनवान हो और आप जो है रोगग्रस्त हो तो बिल्कुल ही आपकी जीवन तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, धन का उपभोग नहीं कर पाते। तो निरोग काया मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। तो आप निरोग रहना चाहते हैं हमेशा और चाहते हैं माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो, तो इस दिन धनवंतरी महाराज को और माता लक्ष्मी को एक मुट्ठी धनिया जरूर समर्पित करना। इसके बाद दीपावली पर लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद जो धनिया आपने समर्पित किए हैं, इस धनिया को आपको लाल कलर की फिर पोटली में पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद इसे बांध करके धन स्थान में रखना चाहिए। ऐसा करने से साल भर धन और समृद्धि खुशहाली घर में बनी रहती है और कुबेर भगवान का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि मैं आप सभी दर्शकों को धनतेरस के दिन न किए जाने वाले जो कार्य बताया हूं, ये कार्य से आप भी जरूर सावधान हो जाएंगे। इस कार्य को मत करना। इस कार्य को करने के बाद अधिकतर लोगों के जो किस्मत रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो। हो सकता है सामने वाले अपने घर में ताला लगा करके जाते हो या फिर दीपक न जलाते हो, तो आपके एक छोटे से शेयर किए गए वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकता है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। आप दूसरे की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।